ओम शांति। पीसीडी नंबर 3480। प्रातः क्लास चल रहा था 18 जुलाई 1968 सतवार सतगुरुवार के दिन सातवें पेज के मध्यांश में बात चल रही थी। The morning class dated 18th July 1968 was in progress. On Thursday, the topic being discussed at the end of the middle part of the seventh page was कि तुम जानते हो सतयुग में भी पवित्र रहते हैं और कलयुग में भी बहुत हैं जो पवित्र बनते हैं। You know that they are pure in the golden age as well as there are many even in the iron age who become pure. क्योंकि ढेर के ढेर मनुष्य यहाँ हैं। It is because there are many people here. ऐसे तो नहीं कहेंगे कि यहाँ उनका कोई करैक्टर बनेगा सुधरेगा। It won't be said that their character will be reformed here. कभी नहीं। Never. चलो मान लिया विकार में नहीं जाएंगे। All right, we accept that they won't indulge in vices. कि सभी मांस मांसाहारी वाले सभी। All these are non-vegetarians. तुम तो वो नहीं करते हो। You certainly don't do that. तुमको सुधारा जाता है। So you are reformed. कभी मुख से गंध नहीं। Never utter anything dirty through your mouth. कुछ भी गंध मुख से नहीं निकलना चाहिए और कोई को भी नहीं। No dirty word should be uttered through the mouth, not for anyone. तो तुम्हारा करैक्टर भगवान आकर के सुधारते हैं। So God comes and reforms your character. कोई मनुष्य नहीं सुधारते हैं। No human being reforms it. और तुम भगवान से सुधर करके And after being reformed by God, फिर तुम औरों को सुधार सकते हो। You can then reform the others. और तो कोई सुधार ही नहीं सकेंगे। No one else can reform others at all. सिवाय तुम कोई का भी करैक्टर सुधार ही नहीं सकेंगे। Except for Brahmins, no one can reform anyone's character at all. ब्राह्मण जरूर चाहिए। Brahmins are certainly needed. क्योंकि ऐसा ड्रामा बनता है। It is because such a drama is preordained. ड्रामा के प्लेन अनुसार बनता है। दैवी करैक्टर बनते हैं। उसको कहा जाता है इस दुनिया की आसुरी करैक्टर और नई दुनिया की दैवी करैक्टर। It happens according to the drama. The divine character is formed. It is anyway said for the characters. There is demonic character in this world and there is divine character in the new world. तो फर्क क्या है? So what is the difference? वो पतित हैं इस दुनिया में और वो पावन है। Those ones in this world are impure and they in the new world are pure. पहले पहले तो So first of all मुख्य बात है ये पावन बनने की। The main thing is to become pure. अरे उसके लिए इतना सभी हंगामा होता है। अरे so much commotion takes place for it. बहुत मारामारी। A lot of brawls take place. अबलाओं के ऊपर तो इतने अत्याचार। ये वगैरह वगैरह बहुत कुछ होता है। Such atrocities are committed on the weaker sex, that is the suppressed woman. All these and so on happen a lot. 18 July 1968 की प्रातः क्लास का आठवां पेज दूसरी लाइन। The second line of the eighth page of the morning class dated 18th July 1968. अब बच्चों के ऊपर देखो। Now look about the sons. बाप कितना बच्चों के ऊपर बोलते हैं। The father speaks a lot about the sons. तुमको अगर शादी करनी है तो भाग जाओ। If you want to get married, then run away. उधर दुनिया में लौकिक दुनिया में शादी के लिए बोलते हैं बाप तो शादी नहीं करनी है तो भाग जाओ। There in that lokic world, father tells about marriage. If you don't want to get married, then run away. समझा ना कितना फर्क है।
वो कहते हैं तुम शादी नहीं करोगे तो हमारा वर्षा नहीं मिल सकता। यू डिड अंडरस्टैंड डिडंट यू? देयर इज सच अ वास्ट डिफरेंस। दे से इफ यू डोंट गेट मैरिड देन यू कैन नॉट गेट माय इनहेरिटेंस। देखो उनकी कितनी मिल्कियत होती है। सो लुक दे हैव सो मच प्रॉपर्टी। तो सारी मिल्कियत छोड़ दे देंगे। सो ही विल हैव टू लीव ऑल दैट प्रॉपर्टी। सोचते हैं फिर मैं जाकर के अलग रहूंगा। ही थिंक्स आई विल गो एंड स्टे सेपरेटली। हमको अलग से कमाई करनी पड़ेगी। आई विल हैव टू अर्न सेपरेटली। बाप की इतनी मिल्कियत इतना छोड़ देंगे ये तो हमको फिर कुछ भी नहीं देंगे। If I leave this much property of the father, then he will not give me anything. हाँ भाई। Yes, brother. तो छोड़ना तो बेहतर है ना? So it's better to leave, isn't it? अच्छा ही है। It's good anyway. क्योंकि अभी बाकी समय ही कितना है? It is because how much time is left now? तो ये तो जानते हो कि दिन प्रतिदिन समय कमती होता जाता है। So you know that the time goes on becoming lesser day by day. और कोई भी लखपति के बच्चे होंगे तो उनको कहेंगे अगर इनके पास जाते हो तो तुम यहाँ से भागो। And if there is any millionaire's son, they will tell him, if you go to this one, then run away from here. तो ये लखपति करोड़पति। So these millionaires, billionaires. वो बच्चे कहेंगे इतनी सारी मिल्कियत हम सब छोड़ देंगे क्या? Those children will say, should I leave all these property? बड़ा मुश्किल हो जाता है ना? It becomes very difficult, doesn't it? इनके ऊपर और यहाँ तो छोड़ना ही है। On this one, and you do have to leave it here. तो बच्चों को तो सच्ची कमाई करनी है। You children have to make a true earning. वो ही उनसे सदवार साहूकार हो सच्ची कमाई से बिल्कुल ही। यू बिकम अ फॉर्चुनेट वेल्दी पर्सन थ्रू दिस ट्रू अर्निंग फॉर श्योर। साहूकार बनते हो तो वो साहूकार बनने का ये संगम युग है ना बच्चे। यू बिकम अ वेल्दी पर्सन दिस इज द कॉन्फ्लुएंस एज फॉर बिकमिंग अ वेल्दी पर्सन इजंट इट चाइल्ड। पुरुषोत्तम संगम युग में बनने का है। यू हैव टू बिकम दिस इन द एलिवेटेड कॉन्फ्लुएंस एज। और ऐसे युग में ये सभी कुछ होता है। एंड ऑल दिस हैपेंस इन दिस एज। अच्छे से अच्छा भी होता है बुरे से बुरा भी होता है। द बेस्ट एज वेल एज द वर्स्ट हैपेंस हियर। अच्छे की भी शूटिंग बुरे की भी शूटिंग। द शूटिंग ऑफ द गुड एज वेल एज द बैड टेक्स प्लेस हियर। और बच्चे भी ऐसे ही अरे तुम्हारे पास बाप के पास जो मिल्कियत है इतनी हाँ है। एंड द चिल्ड्रन आर ऑल्सो सच अरे योर फादर हैज सो मच प्रॉपर्टी यस ही डज। हाँ भाई अगर हम इस तरफ में आता हूँ तो बोलता है। यस ब्रदर इफ आई कम हियर देन ही सेज चले जाओ वहाँ। गो देयर। नहीं तो शादी करके यहाँ रहो। और एल्स गेट मैरिड एंड स्टे हियर। हाँ बताओ बाबा हम क्या करें अभी। नाउ टेल मी बाबा व्हाट शैल आई डू। अभी ऐसे साहूकारों के घरों की ऐसी बच्चियां कहाँ ढूंढते फिरेंगी। वेयर विल वी वॉन्डर इन सर्च ऑफ सच गर्ल्स ऑफ सच वेल्दी फैमिलीज। फिर भी बाप कहे स्टिल द फादर सेज वो भी यूवन बनेंगे तो भी उनको तो भूलना ही पड़ेगा। इवन इफ यू मेक देम योर स्पाउस यू विल हैव टू फॉरगेट हर एनीवे। कि उनको भी भूल भूल करके सबको भूल करके सिर्फ उनको आत्मा समझ करके बाप के पास जाना है। आफ्टर फॉरगेटिंग देम आफ्टर फॉरगेटिंग एवरीवन यू हैव टू गो टू द फादर बाय कंसीडरिंग योरसेल्फ अ सोल। अगर वो भी अगर लटकाया है पिछाड़ी में वो भी याद आ रहा। इवन इफ यू हैव एंटैंगल्ड योर माइंड इन देम दैट टू विल कम इन योर माइंड इन द एंड। और याद आया तो वो भी ऊंच पद नहीं पाएगा। एंड इफ इट कम्स टू योर माइंड इट वोंट लेट यू अटेन हाई पोजीशन ईदर। नहीं तो बस ये होना चाहिए
कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई. अदरवाइज इट शुड बी जस्ट दिस माइन इज वन शिव बाबा एंड नो वन एल्स. और युगल भी गंधर्व विवाह वाला वो भी युगल नहीं. एंड इफ यू हैव मेड योर स्पाउस थ्रू गंधर्व विवाह देन दे टू आर नॉट योर स्पाउस. गंधर्व विवाह इज एन अरेंजमेंट ऑफ मैरिज मेड बिटवीन टू ब्राह्मिन्स. भाई मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा नहीं कोई. ब्रदर माइन इज ओनली वन शिव बाबा एंड नो वन एल्स. दोनों को याद करते करते हम चले जाते. सो बाय रिमेम्बरिंग हिम वी विल गो बैक. तो देखो उस एक के ऊपर ही जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है उसके ऊपर ही तो गायन है. So look, there is certainly the praise only on that one, the one who is the highest on high God. Bhai, Ganga ka tat ho, mukh mein jal ho, tab kahan tarn se nikle. Brother, there should be the bank of the river Ganges, there should be water in the mouth, then the life should leave the body. Bas. That's it. Aur kisi ka naam mukh par na ho. No one else's name should be in your mouth. Bas, Ganga ka jal. There should be just the water of the Ganges. So वो गंगा पतित पावनी हो गई. So that Ganges became पतित पावनी, that is the one who makes pure from impure. है तो सभी समझने की बात. So all these are the topics to understand. आओ बच्चे. Come child. हाँ अब time तो हो गया है. Yes, the time is up now. ज्ञान भी भिन्न भिन्न पॉइंट से समझाया. The knowledge was also explained through various points. क्या है तभी? Then what's this? तो ये तो बाप कहते हैं ना. So the father says this, doesn't he? Okay, बच्चे, ये तो योग है ना ज्ञान है. Sweet children, this is neither yoga nor knowledge. बात है जरूर दो. तीसरी बात है ही नहीं. There are certainly just two topics. There is no third topic at all. ज्ञान और भक्ति पीछे है वैराग और वैराग का भी समझाया. There is knowledge, bhakti, and at the end is vairag, that is detachment. And it was also explained regarding detachment. तो देखो कोई भी याद ना आए सबसे वैराग. So look, no one should come to the mind. You should be detached from everyone. पिछाड़ी में ऐसा हो एक शिव बाबा दूसरा. एट द एंड इट शुड बी दिस वे वन शिव बाबा एंड नो वन एल्स. अभी वो तो तुम हर एक को मेहनत करनी पड़े ना. सो नाउ फॉर दैट ईच वन ऑफ यू विल हैव टू वर्क हार्ड वोंट यू. और इस मेहनत के लिए टाइम तो बहुत पड़ा हुआ है. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम लेफ्ट फॉर दिस हार्ड वर्क. अच्छा तभी ये सब क्या है? What are all these then? ये रसम रिवाज है दुनिया की. These are the customs and traditions of the world. इनका इन सब बातों से ज्ञान की बातों से कोई कनेक्शन नहीं. These customs and traditions have no connection with all these topics of knowledge at all. सुनने की भी कोई दरकार नहीं है. And there is no need to get confused in it either. क्योंकि ये बच्चियां जाती है. इट इज बिकॉज दीज डॉटर्स गो जिसके लिए भोग लगाती हैं, उनका भी उनको साक्षात्कार होती है. दे ऑल्सो हैव द विजन्स ऑफ दोस हुम दे ऑफर भोग. अच्छा वो यहाँ आते हैं इनसे मिलने के लिए. दे कम हियर टू मीट दिस वन. जिनके पास पढ़ करके गए हैं. थ्रू हुम दे हैव स्टडीड एंड लेफ्ट. अच्छा ये उनको जानते हैं पहचानते हैं कि इनके पास हम आकर के पढ़े थे. दे नो हिम रिकॉग्नाइज हिम दैट वी हैड कम हियर एंड स्टडीड फ्रॉम हिम. अभी ये तो है सबसे मुख्य. नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन. संगम युग पुरुषोत्तम संगम. The confluence age, the elevated confluence age. जब मिलते हैं तो बेचारे आंसू आते हैं बहुत आंसू आते. When they meet, the poor ones shed a lot of tears. हमको श्रीमत मिलती थी. Thinking, we used to get the श्रीमत.
हम उस श्रीमत के ऊपर पूरे नहीं चले. वी डिडंट फॉलो दैट श्रीमत कम्प्लीटली. तो वहाँ भी तो बाप ऐसे ही उनको कहते हैं ना. सो देयर टू द फादर टेल्स देम द सेम डजंट ही. वहाँ भी आंसू आते हैं तो यहाँ भी आंसू आते हैं उनको. दे शेड टीयर्स देयर एज वेल एज दे शेड टीयर्स हियर. क्यों? व्हाई? क्योंकि पढ़ाई पूरी नहीं की. इट इज बिकॉज दे डिडंट कंप्लीट द स्टडी. बाबा की श्रीमत पर ठीक से नहीं चल सके. दे कुडंट फॉलो द बाबा श्रीमत प्रॉपरली. तो फिर उनको अफसोस होता है. सो दे रिग्रेट इट. और कुछ नहीं. एंड नथिंग एल्स. जिसके लिए फिर बच्चों को समझावे. बच्चे मौत सामने खड़ा है और मौत का तो कोई भरोसा भी नहीं है. For that, it is explained to the children, children, death is standing ahead and there is no guarantee of death either. Look, we have given the materials to the Karnigor. The Karnigor are a class of Brahmins who take the materials belongings of the dead. Well, we have given the belongings. So, unko koi sharir thode de dete hain. So nobody gives them the body. ये तो बाप आते हैं. This is the father who comes. बाबा बोलते ये जो तुम्हारे पुराने हैं ना, ये सब मेरे को दे दियो. बाबा says, all these old things which belong to you, give all that to me. बस. That's it. इस देह को भूल, सिर्फ अपन को आत्मा समझ. Forget this body and just consider yourself a soul. You did understand, didn't you? मैं तुमको सब कुछ नया दे दूंगा. I'll give you everything new. वो दान पुण्य करते हैं पुरानी चीजों का. क्यों? जरूर वो समझेंगे कि दूसरे जन्म में नया मिलेगा. They donate old things. Why? Certainly they will understand that they will get new things in the following birth. क्योंकि लेन-देन का हिसाब तो होता ही है. It is because there is certainly the account of taking and giving. और बाप का है ही लेन-देन का हिसाब. And there is certainly the account of give and take with the father. जब दूर है तो लेन-देन का हिसाब. When he is far away, there is the account of give and take. और लेन देन अल्पकाल का क्षणभंगुर सुख के लिए ऐसे ही होता है. एंड दैट गिव एंड टेक इज फॉर टेम्पररी पीरियड फॉर मोमेंटरी हैप्पीनेस. इट हैपेंस जस्ट दिस वे. और अभी भी लेन देन है. एंड देयर इज द गिव एंड टेक इवन नाउ. और व्यापारी तो फिर वो है. एंड ही इज सर्टेनली अ बिजनेसमैन. अभी आते हैं. नाउ ही कम्स. फिर लेन देन होती है. एंड देन देयर इज द गिव एंड टेक अगेन. और आधा कल्प की एकदम त्रेसठ जन्मों की लेन देन होती है. एंड द डील इज डन फॉर हाफ अ साइकिल फॉर द कंप्लीट 63 बर्थ्स. और इसको फिर कहा जाता है अविनाशी लेन देन. एंड देन दिस इज कॉल्ड द इम्पेरिशेबल डीलिंग. भक्ति मार्ग में तो विनाशी लेन देन है. In the path of bhakti, there is perishable dealing. Hai to lenden zarur. The dealing is there for sure. 18/7/1968 ki prat class ka navam page, dusri line. The second line of the ninth page of the morning class dated 18th July 1968. Bhakti marg mein bhi ishwar artha karte hain. In the path of bhakti too, they do it for the sake of God. Na maujoodgi mein karte hain. Absence में. They do it in the absence of God. बाप कहते हैं मेरी absence में करते जो भी लेन देन करते. The father says whatever dealing they do it in my absence. तो ये drama बना हुआ है. So this drama is preordained. और absence में करते हैं तो अल्पकाल क्षणभंगुर एक जन्म के लिए मिल जाता है. And when they do it in my absence, they get momentary attainment for a short time, for one birth. क्योंकि वहाँ तो रहना ही है आधा कल्प भक्ति मार्ग में.
It is because they do have to certainly live in the path of bhakti for half a cycle. और भक्ति मार्ग में भी करते तो ईश्वर के नाम पर ही है. And in the path of bhakti too, whatever they do it in the name of God alone. अच्छा, अब जब सन्मुख आए हैं तो बोलते हैं हाँ, तो अभी तो सन्मुख हूँ ना. अच्छा, now that I have come face to face, I say, yes, I am face to face now, am I not? तुम गाते हो वहाँ, बाबा जब तुम आएंगे तब हम तुम्हारा ही बनूंगी. You sing there, Baba, when you come, I will be only yours. समझा ना? You did understand it, didn't you? वहां तो वो खुद नहीं बनते हैं, वहां तो वो पुराना टप्पर दे देते हैं. There, you yourself will not become his. You just give your old belongings there. और यहाँ तो खुद ही अंजाम किया था, आपके ही बनेंगे. And as for here, you yourself had made the promise, I will be only yours. तो बाप समझाते रहते हैं, मेरा बनने से क्या होना पड़ेगा? So the father keeps explaining, how should you become, if you become mine? आस्ते आस्ते, धीरे धीरे, छोड़ते छोड़ते छोड़ते, पीछे मेहनत करके, फिर कोई भी याद ना आवे. Slowly and gradually, by leaving everything through effort or hard work, you should not remember anyone in the end. मेरे से ही आकर के मिलो. Come and meet me alone. पुरुषार्थ करो तो माला का दाना बनेंगे. Make such पुरुषार्थ, then you will become the bead of the rosary. आओ बच्ची. Come daughter. बच्ची. अभी है इसके पहले सूक्ष्म बतन कोई भी नहीं जाता. Daughter, now it exists. No one used to go to the subtle world before that. भले जाते थे अपने वो आत्माओं का वो पूछने जाते थे, भाई तुम कहाँ छोड़ करके गए हो. Although they used to go to ask about some belonging of the soul, where did you leave it before going? Iho. ऐसे बहुत आगे पूछते हैं. There are many who used to ask in this way earlier. पीछे उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं. Later they make them eat and drink. श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करते हैं ना सब कुछ. They carry out श्राद्ध and everything with reverence, don't they? श्राद्ध is a ceremony carried out in honor and for the benefit of the deceased ones. कोई चीज अगर कहाँ छोड़ करके जाते हो. If they leave anything somewhere and go. आगे बहुत ही रस्म रिवाज थी, पूछते थे. This tradition was carried out a lot earlier. They used to ask them. परंतु सूक्ष्म बतन में तो जा नहीं सकते. But they cannot go to the subtle world. आप तो जब रचना रचते हैं नहीं तो पहले तो सूक्ष्म बतन चाहिए. When the father creates the new creation, the subtle world is needed at first. तो बाप ही सूक्ष्म बतन पहले पीछे आते हैं स्थूल. So the father himself goes to the subtle world first, later he comes to the physical world. ये कौन से बाप की बात है? ये मनुष्य सच्चे के बाप की बात है कि सूक्ष्म बतन में जाते हैं. So this is about which father? This is about the father of the human world, that he goes to the subtle world. पहले वो ही जाते हैं. He alone goes at first. तो ये सूक्ष्म बतन में आ जा सके. So he can come and go to the subtle world. और सूक्ष्म बतन का रचयिता तो पहले सूक्ष्म रचे. The creator of the subtle world will create the subtle world first. पीछे स्थूल रचे. And then he will create the physical world later. तो सूक्ष्म बतन का यही यहाँ होता है. So the subtle world only exists here. वो उसके पहले जो जाते थे उसको कोई सूक्ष्म बतन में कोई भी नहीं जाते हैं. All those who used to go before, no one goes to the subtle world then. You did understand, didn't you?
कि कोई भी बात ही नहीं है सूक्ष्म बता, समझा ना? हाँ, देयर इज नो टॉपिक ऑफ द सटल वर्ल्ड एट ऑल, यू डिड अंडरस्टैंड डिडंट यू? यस, सभी याद प्यार ले लेना, एवरीवन टेक लव एंड रिमेम्बरेंस, तो वो तो सब चलता है, सो ऑल दैट इज ऑल राइट। हेलो, सभी सेंटर्स के कोई एवरेज अबाउट 150 सेंटर्स? हेलो टू ऑल द सेंटर्स, देयर आर अबाउट 150 सेंटर्स ऑन एन एवरेज। जिन जिन के पास टेप रिकॉर्ड मशीन है, ऑल दोज हु हैव द टेप रिकॉर्डर मशीन, सभी युवानी सेंटर्स के ब्राह्मण कुलभूषण, टू द ब्राह्मण कुलभूषण्स ऑफ ऑल दोज स्पिरिचुअल सेंटर्स, कुलभूषण्स दोज हु डेकोरेट द ब्राह्मण क्लैन, ब्रह्मा मुख वंशावली सबसे रत्नों प्रति, आज गुरुवार के दिन मधुबन से रूहानी बाप और दाता और मधुबन निवासियों का दिल व जान सिख व प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार करो। टू द ब्रह्मा मुख वंशावली द सर्विसेबल जेम्स ऑफ द आईज टुडे ऑन थर्सडे रिमेम्बरेंस एंड लव फ्रॉम द हार्ट एंड लाइफ विद अफेक्शन एंड लव नंबर वाइज अकॉर्डिंग टू द पुरुषार्थ एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम द स्पिरिचुअल फादर एंड दादा एंड द रेसिडेंट्स ऑफ मधुबन। मीठे मीठे शिकील दे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, द स्पिरिचुअल फादर एंड दादाज रिमेम्बरेंस एंड लव टू द स्वीट लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड स्पिरिचुअल चिल्ड्रेन, और गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप की नमस्ते। Greetings from the spiritual father to the sweet spiritual children. Om Shanti.